स्वागत है आपको वॉइस ऑफ इंडिया टीवी में, मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त बड़े अपडेट की बात करें तो मुनव्वर फारूकी को लेकर है। जी हाँ, बिग बॉस 17 के विजेता रह चुके और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी इन दिनों लगातार कई इवेंट्स और पार्टीज में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो चर्चाओं में बने हुए हैं। बता दें कि जब से बिग बॉस 17 शो खत्म हुआ है तब से वो काफी इवेंट्स और पार्टीज में नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर भी बताते हैं कि मुंबई के ठाणे में अभी एक इवेंट शो था जिसमें वो शामिल हुए, जहां पर एक बार फिर उनके फैंस का तांता लग गया। जी हां, वहां काफी भीड़ जमा हो गई, जिसको लेकर पुलिस को वहां लाठी चार्ज करना पड़ा। जी हां, कई लोगों के फोन भी चोरी हो गए, इसी खबर वहां से सामने आई है। बता दें कि ये इवेंट जो उनका ये हाल एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अवध की एक तरफ से आयोजित एक प्रोग्राम में हुआ, जो मुंबई के ठाणे जिले के मुंब्रा में हो रहा था। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप जान रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, उनकी लगातार जो है उनकी चर्चाओं में शामिल हैं वो। और बता दें कि मुंबई के ठाणे में एक इवेंट में शामिल होने गए थे, जहां पर उनके फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसको लेकर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। जी हाँ, ये था आप तक का अपडेट। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी पर। शुक्रिया।